बागपत के आदर्श शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज किशनपुर बराल में बुधवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुई मेधावी छात्र छात्राओं को कॉलेज के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। डायरेक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि हाई स्कूल में 294, इंटरमीडिएट में 270 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। उन्होंने बताया कि गत वर्ष भी कॉलेज की छात्रा ने इंटरमीडिएट में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस बार हाई स्कूल में मनीष कुमार ने 93.17% अंकों के साथ जिले की टॉप 10 सूची में 7वां स्थान प्राप्त किया है। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं कॉलेज का मैनेजर। इस बार जिले में मनीष लड़का है हमारा माजरे का, एक मध्यवर्गीय परिवार से ही है, किसान का ही बेटा है। 7वां स्थान जिले में उसने इस बार हासिल किया। पिछली बार हमने जिले में पहला स्थान हासिल किया था, आकांक्षा लड़की थी जो। इस बार कुछ पढ़ाई में ज़्यादा कुछ दिक्कतें रही कॉलेज में, उसकी वजह से फिर भी हमने अपना 7वां स्थान कायम रखा, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी सर बच्चे स्कूल से रहे हैं? हाँ, जो टॉपर्स बच्चे हैं, एक लड़की है हमारी क्रिस्टी, उसके भी 90.8% है। एक लड़की है लवि, 91.6% है, ये भी एक मध्य परिवार से लड़की है, इसके भी अच्छे नंबर हैं। और बाकी सभी बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, रिजल्ट 100% रहा से, ये भी सबसे बड़ी उपलब्धि है कॉलेज की। कितने बच्चे थे सर हाई स्कूल और इंटर में? और कितने? हाँ, हाई स्कूल के अंदर 294 बच्चे थे, 294 के 294 पास है। हाई स्कूल का हमारा पहले से ही रिकॉर्ड रहा है कि कभी आज तक कभी बच्चा फेल ही नहीं हुआ है। और कक्षा 12 में 270 बच्चे थे, 270 के 270 की फर्स्ट डिवीजन है। सर मेरा नाम मनीष है और मैं इब्राहिमपुर माजरा का छात्र हूँ, लेकिन मैं आदर्श शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। यहाँ के अध्यापक और मेरा जी बागपत जिले में 7वीं रैंक प्राप्त किया मैंने जी। शिक्षकों का बहुत अच्छा सहयोग था जी, मुझे दिन प्रतिदिन मोटिवेशन करते रहते थे कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए मैं उस पथ पर बढ़ता रहा और अच्छे अंक प्राप्त किए। और हमारे स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ के छात्र और अध्यापक अनुशासन से रहते हैं, और अध्यापक बहुत ही अच्छे हैं, वे हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं और सफलता का श्रेय भी इनके लिए उनको ही जाता है। मैं जी आगे जाके IAS की नौकरी करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने समाज और राष्ट्र को सुधार सकूँ। सर मेरा नाम लवि तोमर है और मैं जीवाना से हूँ, और मेरे हाई स्कूल में जो है 91.6% आया है। और जैसे कि मेरे इन सब इसमें परसेंट आने में मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सहयोग है। और यहाँ पे बहुत मेरे स्कूल में मैं आदर्श शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज स्कूल की विद्यार्थी हूँ, और यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है इतनी परसेंटेज यहाँ तक आने के लिए, इसलिए मैं अपने टीचर्स का और बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी। यस सर। और सर अभी मैं 10th में हूँ, तो अभी मैं 12th के बोर्ड हो गई, इसमें पूरी प्रैक्टिस करूँगी कि मैं पूरी UP टॉप